वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि नंबर सिस्टम था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आपका एक बार फिर से वेलकम है इस विवेकानंद स्कूल की वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें आप देख सकते हो आपके एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज जीरो अ रैशनल नंबर, मतलब कि यदि जीरो एक रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, क्या आप इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पर आपके पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपका एक क्वेश्चन आपके सामने है कि जीरो आपके यदि रैशनल नंबर है तो क्या आप उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, और उसके जो पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए वहाँ पे, इंटीजर, और क्यू हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, यदि हमारा जीरो एक रैशनल नंबर है तो उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा जीरो यदि रैशनल नंबर है तो इसके अपॉन में यदि हम 1 डाल देंगे, ठीक है, जीरो के अपॉन में यदि हम 1 डालेंगे तो यही कुछ हमारा पी अपॉन क्यू का फॉर्म होता है, पी अपॉन क्यू का फॉर्म होता है। यहाँ पर जीरो क्या है आपके, एक इंटीजर होगा, 1 क्या है आपका, इंटीजर होगा। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि आपके क्वेश्चन ने जो पी अपॉन क्यू का फॉर्म पूछा है, तो पी अपॉन क्यू का फॉर्म हम क्या समझेंगे इससे, तो हम इससे ये समझेंगे जो आपका पी है वो आपका क्या होना चाहिए, न्यूमिनेटर, और यहाँ पे क्यू डिनोमिनेटर। ठीक है, और हमने इससे पहली वीडियो में देखा था जो हमारा रैशनल नंबर की कंडीशन थी, उसमें भी 3 कंडीशन हमारे सामने आई थी। कंडीशन नंबर 1 जो थी कि पी और क्यू के फॉर्म में हमेशा एक रैशनल नंबर को लिखा जाता है, फिर जो P है और Q क्या होना चाहिए उसमें, इंटीजर, और थर्ड थिंग क्या थी कि जो आपका D है यानी कि आपका जो Q है मतलब आपका डिनोमिनेटर, ये क्या हो, जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, तो क्या हमारा रैशनल नंबर जो जीरो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एक रैशनल नंबर है, क्या आप वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कैसे, वो हम आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला है जीरो एक रैशनल नंबर होना चाहिए, तो जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। हमने जीरो के अपॉन में अपने मन से सपोज कर लिया कि इसके अपॉन में क्या है, 1 है। जीरो के अपॉन में अपन ने 1 अपने मन से सपोज किया है, क्योंकि यदि 1 का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे या 1 का डिवाइड कर देंगे जीरो के लिए, तो हमेशा क्या होगा वहाँ पर, डिनोमिनेटर आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम यदि हमारे रैशनल नंबर की कंडीशन से मैच करें, तो जीरो की जो प्लेस है वो पी है, 1 की जो प्लेस है वो क्यू है, तो पी अपॉन क्यू यानी कि कंडीशन नंबर 1 हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। फिर सेकंड कंडीशन, पी हमारा क्या है, इंटीजर, यहाँ पे देखना जो हमारा जीरो है वो क्या है, इंटीजर है। क्यों है, क्योंकि जीरो नंबर लाइन के सेंटर में होता है। 1 क्या है हमारा, इंटीजर है। कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो चुकी है। कंडीशन नंबर 3 की ओर चलते हैं, तो कंडीशन नंबर 3 ने क्या बोला था कि जो आपका क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो। यदि आपको रैशनल नंबर कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, तो कंडीशन नंबर 3 कहती है हमसे कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर हमारा जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा 1 है वो क्या है, जीरो से बड़ा है, मींस ग्रेटर देन जीरो होता है हमारा 1, तो इसीलिए यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी है। तो हम कह सकते हैं, हम इसके आंसर में लिखेंगे, यस जीरो इज़ अ रैशनल नंबर, बिकॉज जीरो अपॉन 1 हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं, और क्या बोलेंगे वहाँ पे, जीरो अपॉन 1 इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, और इसके साथ ही क्या है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब 1 जो है वो 0 से ग्रेटर देन है और 0 के इक्वल भी नहीं है, एंड हैविंग 0 एंड 1। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 1 था अपना। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और उसका स्टेटमेंट को पढ़िए कि उसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। गिव एग्जाम्पल फॉर योर आंसर, आपके आंसर के लिए हमें क्या देना होगा, एग्जाम्पल देना होगा। यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है,
फर्स्ट पॉइंट में एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ व्होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर व्होल नंबर्स होते हैं? तो हम चलते हैं हमारी इससे पहली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियोस थी जिसमें हमने आपको नेचुरल नंबर व्होल नंबर्स के बारे में बताया था। तो क्या यहाँ पर हमारे सारे नेचुरल नंबर व्होल नंबर होते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर की कंडीशन क्या थी, नेचुरल नंबर की जो कंडीशन थी वो क्या थी कि नेचुरल नंबर हमेशा वन से स्टार्ट होकर कहाँ जाता था, इन्फिनिटी तक जाता था। ये कंडीशन आपके नेचुरल नंबर की थी। यहाँ पे आपसे स्टेटमेंट बोला गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ व्होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर व्होल नंबर है? और व्होल नंबर सेकेंड कंडीशन यदि अपन अपने व्होल नंबर की देखें तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, ये कुछ नहीं है, 0, 1, 2 एंड गोज टू द इन्फिनिटी। व्होल नंबर में 0 और आ जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे व्होल नंबर हैं? तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि यस, हमारा जो नेचुरल नंबर है वो सब क्या है, व्होल नंबर है। यदि हम 0 को हटा दें यहाँ से, ठीक है, तो आपको ये सीरीज़ वही मिलेगी जो आपके नेचुरल नंबर की सीरीज़ होती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑलवेज ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज़ अ व्होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स व्होल नंबर होते हैं? तो हमने व्होल नंबर कंडीशन में पढ़ा है कि वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। अब इंटीजर्स की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इंटीजर्स की बात करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जो आपके नंबर लाइन पर 0 सेंटर पॉइंट होता है, इस साइड आपको पॉजिटिव नंबर चलता है और इस साइड आपका नेगेटिव नंबर चलता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो सारे के सारे इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, हमारे व्होल नंबर होते हैं? तो ये सरासर क्या होगा, गलत होगा। आपका ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स रहेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे जो इंटीजर्स की बात हुई है, ठीक है, बात सिर्फ इंटीजर्स की गई यहाँ पर, ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स की। यदि कहते कि पॉजिटिव इंटीजर्स यदि व्होल नंबर होते हैं तो हम बोलते यस ट्रू। अब इंटीजर्स की बात हो गई तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स भी शामिल हैं, ठीक है। तो कभी भी आपका 0, -1, -2, -3 हमारे व्होल नंबर में कहीं से कहीं तक नहीं होते, इसलिए क्या है, आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। देन थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ व्होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर व्होल नंबर होते हैं? तो आपका ए जो स्टेटमेंट है थर्ड वाला, ये भी क्या है, रॉन्ग है। रीज़न, उसके रीज़न में आप ये लिखोगे क्योंकि 1/2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। 1/2 एक रैशनल नंबर है, 1/3 आपका एक रैशनल नंबर है, 1/4 एक आपका रैशनल नंबर है, जबकि हमारा जो व्होल नंबर है वो क्या होता है, एक कंप्लीट वर्ड होता है, कंप्लीट डिजिट को हम व्होल नंबर बोलते हैं, और जो इनकम्प्लीट डिजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। देन 1/2 इनकम्प्लीट है, यहाँ पर व्होल नंबर की 1, 2 एंड इन्फिनिटी, यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4 ये सब आते हैं। तो रैशनल नंबर भी क्या होता है, हमारा व्होल नंबर नहीं होता है। देन थैंक यू वेरी मच।